गुजर इस समुदाय का नाम सुनते ही कोई साफ सी छवि या अवधारणा एक बार में किसी के भी जहन में नहीं बन पाती। दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर कौन है ये, क्या है? पुराने जमाने के गुजर प्रतिहार राजा वाले गुजर है जिनकी वीरता की गाथा दुनिया जानती है, या फिर ये गुजर सम्राट मिहिर भोज के वंशज है? नमस्कार, मेरा नाम सुनीता सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना सरल स्त्री यूट्यूब चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। इस वीडियो में जानेंगे गुजर जाति के इतिहास के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आरक्षण की मांग को लेकर किरोड़ीमल बैसला की अगुवाई में राजस्थान के रेलवे ट्रैक पर बैठने वाले हजारों लोगों के रूप में पहचाना जाए गुजरों को, या फिर दिल्ली NCR में जमीन का मुआवजा पाए नए धनवान लोगों की जमात के तौर पर, जिनके पास अपने मवेशी का चारा ढोने तक के लिए फॉर्चूनर, BMW और ऑडी जैसी गाड़ियां हैं। कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले खानाबदोश गुजर हैं, तो सचिन पायलट जैसे युवा नेता भी इसी बिरादरी के हैं, जो ना सिर्फ राजनीति का एक मुखर चेहरा है बल्कि नए जमाने से कदम ताल करते युवाओं की पहचान भी। कुल मिलाकर स्थिति साफ नहीं है, या यूं कहें कि सदियां बीत जाने के बाद भी गुजरों के लिए पहचान का संकट बना हुआ है। संस्कृत में गुजर का मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। संधि विच्छेद करें तो गुर यानी दुश्मन और जर यानी नाश करने वाला से बना है गुजर। हकीकत यह है कि गुजर वह कौम है जिसने देश के लिए मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक से लोहा लिया। भारत से लेकर अफगानिस्तान तक फैले गुजर हिंदू है तो मुसलमान भी। इतने बड़े लेवल पर फैलाव और रीति रिवाजों में फर्क पर गौर करें तो गुजर जाति नहीं बल्कि एक नस्ल के रूप में सामने आते हैं। आमतौर पर बलिष्ठ कदकाठी वाली यह कौम ईमानदार मिजाज और बिना लाग लपेट साफ बोलने वाली होती है। इस समुदाय की अपनी बनाई बंदिशें भी खूब है, जो आज भी गुजरों के लिए बंधन कम और शान ज़्यादा है। खेती बाड़ी और दूध के अपने मूल काम से इतर भी ये आजकल तमाम क्षेत्रों में हाथ आजमा रहे हैं। दिल्ली NCR के इलाकों में अगर गुजरों के मुख्य पेशे की बात करें तो खेती और मवेशी पालन के साथ साथ प्रॉपर्टी का बिजनेस है। यहाँ सैकड़ों ऐसे गुजर परिवार मिल जाएंगे जिन्हें सिर्फ किराए से महीने के 10-20 लाख रुपये मिलते हैं। कश्मीर में अगर गुजर चरवाहे मिलेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में खेती बाड़ी करने वाले किसान भी। देश भर की बात करें तो कमोबेश दो ही तरह के गुजर हैं, कम ही सही। एक तो जिनके पास अकूट पैसा है और दूसरे वे जो आज भी बदहाली की जिंदगी बिता रहे हैं। बीच वाली स्थिति शायद ही हो। बड़ा क्षेत्र और इलाका कोई भी क्यों ना हो, आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, गुजरों के लिए स्वाभिमान हमेशा नाक का सवाल रहा है। इन्हें सब कुछ मंजूर हो सकता है लेकिन जाति बिरादरी में अपनी नाक नीची नहीं। इसके लिए वे कई बार हदें भी पार कर जाते हैं। हॉरर किलिंग जैसी बदनामियां भी कभी कभार इस समुदाय के साथ चस्पा हो जाती है। तो हाल के सालों में लाखों करोड़ों की आलीशान शादियों में पैसे की बर्बादी भी इनके नाम के साथ जुड़ गई है। समुदाय के अंदर महिलाओं की स्थिति हमेशा से दोयम रही है। खेती बाड़ी और पशुपालन के काम में बराबर हिस्सा लेने वाली महिलाओं की आवाज़ घर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह दबी रह जाती है। देश की राजधानी दिल्ली और NCR में गुजरों के गांव में आप चले जाएं, तो महिलाएं आपको पर्दा करते दिख जाएंगी। कुछ मॉडर्न परिवार भले ही अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश दिला दें, पढ़ा लिखा दें, लेकिन अहम मसले पर उनकी शायद ही सुनी जाती है। छोटे स्तर की राजनीति में जरूर गुजर महिलाओं का नाम कभी कभार आता है, लेकिन वह उनकी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बतौर पति या बेटे की डमी कैंडिडेट के रूप में नाम पत्नी या माँ का होता है और काम पति या बेटे का। वक्त के साथ गुजर समुदाय में भी बदलाव दिखने लगे हैं। पहले यह समुदाय शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब बात ऐसी नहीं है। शायद ही कोई घर होगा जिसके बच्चे अब स्कूल नहीं जाते। यही हाल रोजगार का भी है। अपना बिजनेस नहीं कर पाए तो नौकरी करना भी अब शान के खिलाफ नहीं माना जाता।
हाँ नौकरी चाहिए प्रतिष्ठा वाली। इस कौम की बदलती सोच की तस्दीक करने के लिए आप कोई भी मैट्रिमोनियल साइट देखिए, बड़ी संख्या में गुजर लड़के लड़कियां आपको दिखेंगे जो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर MBA है। सबसे ज़्यादा हैरत तो यह देखकर होती है कि इन साइट पर अपने पार्टनर के लिए चॉइस देते वक्त कई बार कास्ट 9 बार भी लिखा दिख जाता है। विदेशों में बसने वाले इस समुदाय के लोग बेशक कम नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ रहकर बढ़िया कमाई और नौकरी करने वाले काफ़ी है। जाति बिरादरी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाली कौम की नई पौध के इस तरह की सोच वाकई इस बात का सबूत है कि वक्त ही नहीं गुजर भी बदल रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करें मुझे, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। पहली बार अगर सरल हिस्ट्री का वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अपने इतिहास से रूबरू होते रहें। धन्यवाद।